अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरफी हम यूट्यूब चैनल और मैं हूँ शाहबाज अशरफी। मौत पर हक है और हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया छोड़ने से पहले, पर्दा फरमाने से पहले क्या पैगाम दिया और आपके वफात के वक्त क्या क्या वाकया पेश आया, आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। 808 हिजरी में जब मुहर्रम अल हराम का चांद देखा गया तो उस वक्त हुजूर मखदूम पाक की उम्र 100 साल की थी। आपने भी मुहर्रम का चांद देखा और देखकर खुशी का इजहार किया। हज़रत नूरुलैन ने आपकी खुशी का राज जानना चाहा। इस पर हुजूर मखदूम पाक ने फरमाया कि ये ख़ास महीना है, मेरे पूर्वज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का महीना है। और आपने ये इशारा देते हुए कहा कि अगर अल्लाह की मर्ज़ी से इसी महीने में मुझे इस दुनिया को अलविदा कहना पड़े तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि आप उन दिनों बीमार थे और आपके इस इशारे को देखकर सभी साथी मुरीद खलीफा रोने लगे और पूरा माहौल गमगीन हो गया। सरकार मखदूम पाक ने इन सभी लोगों को रोने से मना किया और तसल्ली दी। हुजूर मखदूम पाक की एक नेक आदत ये थी कि हर साल मुहर्रम की 10 तारीख के दिन अपने साथियों को साथ लेकर गलियों में गश्त किया करते थे, मगर उस साल ये प्रोग्राम आपने नहीं किया। आप अक्सर आसमान की ओर देखा करते थे और खामोश हो जाते थे। रूहानी इल्म के ताल्लुक पर अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछता तो काफ़ी देर के बाद आप उसका जवाब देते थे और आखिर में ये कहते थे कि गुफ्तगू उस वक्त तक है जब तक यकीन ना हो और जब सरहद यकीन पर पहुंच जाए तो निस्बत हासिल करना चाहिए, गुफ्तगू बेकार है। मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का वक्त आपने अपने साथियों के साथ और ख़ास लोगों के साथ कुरान शरीफ की तिलावत में बिताया। 10वीं मुहर्रम को आपकी तबीयत ख़राब हो गई। हज़रत शेख नजमुद्दीन अस्फहानी काबा शरीफ से और आपके पीरो मुर्शिद के साहबजादे हज़रत शेख नूर कुतुब आलम पंडवी पांडवा शरीफ से रूहानी तौर पर आपके सामने हाजिर हुए। इसके अलावा देश और विदेश से हज़ारों सूफी संत बुजुर्गान दीन आपसे मुलाकात करने के इरादे से लोहाबाद की छोजा शरीफ पहुँचे। सभी ने आपकी तबीयत का हाल चाल पूछा। पीर हरम शेख नजमुद्दीन अशफहानी ने फरमाया कि फर्जंद अशरफ चंद रोज़ रहना मसलहत है, क्योंकि तकमील में किसी कदर कसर बाकी है। हजरत ने कुछ जवाब न दिया। पीरो मुर्शिद के साहबजादे कुतुब आलम पांडवी ने कहा कि आप मेरे वालिद के यादगार हैं, आपकी उम्र बढ़े और बीमारी से निजात पाकर सेहतमंद हो जाएं। हुजूर मखदूम पाक ने फरमाया कि अब बका और सेहत पीरजादे को अता हो। मेरे और महबूब के दरमियान एक पतला पर्दा रह गया है, मुनासिब है कि दोस्त दोस्त से मिल जाए। आपकी इन बातों को सुनकर पूरे मजलिस पर बेखुदी की कैफियत तारी हो गई। 15वीं मुहर्रम को आखियार और अबरार आए और उन्होंने आपसे गुजारिश की कि कुछ दिन और दुनिया में आप रहें तो क्या हर्ज है। आपने जवाब दिया कि मैंने अदब की खातिर कोई ख़ास हक का इस्तेमाल नहीं किया, ज़िंदगी का मुझे इख्तियार दिया गया है, जब तक चाहूँ इस दुनिया में पड़ा रहूँ, लेकिन अब मेरी इच्छा नहीं होती। मुहर्रम की 16वीं तारीख को अब्दाल आए और अर्ज़ किया आप हम लोगों को क्यों छोड़ते हैं। 17वीं तारीख को औताद आए और पूछा कि आप अपना मनसब किसे देते हैं। आपने जवाब दिया कि अभी तक किसी को नहीं चुना गया है, जब वो भी चले गए तो हुजूर मखदूम पाक 3 दिनों तक और भी ज़्यादा बीमार रहे, लेकिन जब नमाज का वक्त होता तो जिस्म में हरकत आ जाती और नमाज अदा करते, उसके बाद कुव्वत एहसास बाकी न रहती। जिस दिन से मुहर्रम का चांद देखा गया आप रोज़ाए मुबारक के तामीर में मशरूफ़ रहा करते थे। जमशेद कलंदर जो 500 कलंदरों के सरदार थे 12 सालों से बाग तैयार कर रहे थे और मुरीदों और साथियों में से कोई ऐसा बचा न था जिसने तामीर के काम में हाथ न बटाया हो। नीर शरीफ के हौज को 7 बार आब-ए-जमजम के पानी से भरा गया था।
हुजूर मगदूम पाक ने उस बाग में बहुत से पेड़ों को अपने हाथों से लगाया था। ये सारे इंतज़ाम 12 सालों से हो रहे थे। सनद रहे कि मुहर्रम 808 हिजरी में रोज़ाए मुबारक के तामीर में आपने ख़ास ध्यान दिया। नूरुलैन दुर्र यतीम काजी हुज्जत और भी लोगों ने अपने मेहनत से हुजूर मगदूम पाक के हुक्म के मुताबिक कब्र की खुदाई को आखिरी अंजाम दिया। सरकार मगदूम पाक खुद कब्र की खुदाई देखने आए और मलसरी के पेड़ के नीचे बैठकर मुरीदों और करीबी लोगों और दोस्तों की जुदाई पर अपने अफसोस को जाहिर किया। इस पर सभी साथी बेहोश हो गए। एक पहर के बाद जब होश आया तो हजरत के कदमों पर अपना सर रख कर कहने लगे, मुझको इस गरीबी में अकेला ना छोड़िए। हुजूर मगदूम पाक ने उनका सर उठाया, गले से लगाया और फरमाया, बेटे अब्दुल रजाक, मुझको अपने से जुदा ना समझो। और आपने दूसरे साथियों से कहा कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके बाद मीर शरीफ के हौज की बहुत तारीफ की और फरमाया, जो शख्स इस रोज़े पर आएगा इंशाल्लाह खाली हाथ नहीं जाएगा। हुजूर मगदूम पाक ने अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में हजरत नूरुलैन को अपना सज्जादा नशी बनाया। 28 मुहर्रम के दिन सुबह में शेख नजमुद्दीन हजरत के पास बैठे हुए थे। आपने नूरुलैन को बुलाया और जो आपके पीर व मुर्शिद और बुजुर्गान दीन से मिले हुए जो तबरुकात थे वो नूरुलैन को सपुर्द कर दिया। फिर आपने सभी लोगों के सामने फरमाया कि अशरफ जहांगीर को अपने पास से दूर न समझना, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी ख़ास रहमतों से नवाजा है। अब बात पर्दा फरमाने के बाद भी मैं सदा तुम लोगों के साथ रहूँगा। उसके बाद हजरत अब्दुल रजाक नूरुलैन को इमाम बनाया और ख़ुद उनके पीछे नमाज जहर अदा की। नमाज से फारिग होने के बाद आप बैठ गए और आपको मनकबत सुनने का अरमान हुआ। कवालों को बुलाया गया और शेख सादी के शेर पढ़ने का हुक्म दिया। शेर सुनते ही आप बेखुदी के आलम में डूब गए। हुआ ये कि आप भी पूरे जोश और खरोश में झूमने लगे, कवालों के साथ खुद भी गाने लगे, यहाँ तक कि पूरी महफिल वज्द के कैफियत में सरोबार हो गई। इसी जोश और खरोश के आलम में मुस्कुराते हुए आपने इस दुनिया को अलविदा कहा और माली की हकीकी से मिल गए। आपके पर्दा फरमाने के बाद से आज तक आपका उर्स मुहर्रम की 28 तारीख को हर साल मनाया जाता है। इस बार आपका 634वां उर्स है और आपके चाहने वालों के लिए दुख की बात यह है कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से दरगाह के चौशा शरीफ बंद है। इंशाल्लाह ता कयामत तक हुजूर मगदूम पाक का उर्स मनाया जाएगा और इंशाल्लाह अगले साल हम ज़रूर उर्स में शिरकत फरमाएंगे। आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे हम फिर एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।